वेलकम गाइस, आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ सेफ मनी पादी लोन्स एप्लीकेशन की। आप लोग देख सकते हो गाइस, 4.4 स्टार रेटिंग्स है और 100 ही डाउनलोड्स हुआ है। तो बिल्कुल ही नया एप्लीकेशन है गाइस, फ्रेश एप्लीकेशन है। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, कैसा एप्लीकेशन है, रियल है या फेक है, आप लोगों को इस एप्लीकेशन पर लोन मिलेगा या नहीं, सेफ है या नहीं, क्या क्या इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स आप लोगों को इस एप्लीकेशन पर आ सकता है, लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है, यह जो एप्लीकेशन है गाइस NBFC रजिस्टर्ड है या नहीं, और इस एप्लीकेशन का कस्टमर केयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, पूरी चीज़ें बताएंगे गाइस यहाँ पे। एक चीज़ मैं पहले ही बता दूँ, ये जो सेफ मनी बादी लोन्स एप्लीकेशन है गाइस, बिल्कुल ही रिक्स एप्लीकेशन है, बिल्कुल भी सेफ एप्लीकेशन नहीं है। यहाँ पे ये एप्लीकेशन वाले आप लोगों से बहुत सारी परमिशंस लेता है, मतलब आपकी लोकेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, मैसेज, फोटोज एंड वीडियोस, ऑडियो फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स, कॉन्टैक्ट लिस्ट, ये आप लोग देख सकते हो। एप्लीकेशन की एक्टिविटी, कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों की, मतलब आपकी मोबाइल का कंप्लीट कंट्रोल ये एप्लीकेशन वाले ले लेगा। तो भाई, अगर आप लोगों को सेफ मनी पादी लोन्स एप्लीकेशन से लोन लेना है, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने से पहले ही आपके मोबाइल पे जो भी आपके इंपॉर्टेंट फोटोज, मीडियाज, फाइल्स, या तो फ़ोन नंबर्स वगैरह है, या तो ऑडियो फाइल्स वगैरह है, कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह है ना आपकी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को डिलीट कर लेनी है। नहीं तो भाई, इस एप्लीकेशन वालों को मिल जाएंगे और बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम भी आ सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सेफ्टी यहाँ पे अपनाना पड़ेगा। अभी गाइस यहाँ पे देखो, सेफ मनी पादी लोन्स एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन है, आप लोगों को आसानी से पर्सनल लोन मिल जाएंगे, आप लोग 20,000 से अप टू 50,000 तक यहाँ पे पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। 18% के आसपास आप लोगों को इंटरेस्ट रेट मिलेगा, अब तो 1 साल तक आप लोगों को रिपेमेंट पीरियड मिलेगा। कोई भी हिडन चार्जेस वगैरह यहाँ पे नहीं है, आप लोग देख सकते हो, कोई भी हिडन चार्जेस आप लोगों को नहीं देना है, मतलब कोई भी प्रोसेसिंग फीस या तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आप लोगों को नहीं देना है। बस ऐसा ही एप्लीकेशन है, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन गाइज देखो, ये जो सेफ मनी बादी लोन्स एप्लीकेशन है, फिलहाल बिल्कुल ही नया एप्लीकेशन है, 100 ही डाउनलोड्स हुआ है, अभी अभी रिलीज हुआ है, तो 100% लोन का गारंटी तो इस एप्लीकेशन पर नहीं मिलता है। 50-50 चांसेस है आप लोगों को लोन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। प्लस इस एप्लीकेशन पे आप लोगों को KYC प्रोसेस में थोड़ा बहुत इश्यूज आ सकता है, कुछ लोगों को रिपेमेंट पर भी इश्यूज आया है, कुछ लोगों को मतलब रिपेमेंट पे ये इश्यूज आया है कि भाई रिपेमेंट तो लोगों ने कर दिया है लेकिन एप्लीकेशन पे स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है। ऐसे तो आप लोग रिपेमेंट कर सकते हो, आसानी से UPI डेबिट कार्ड से हो जाता है। और गाइस एक चीज़ बता दूँ, ये जो सेफ मनी बादी लोन्स एप्लीकेशन है, यहाँ से अगर आप लोग लोन लेते हो, ठीक है, गलती से या तो आप लोगों को लकीली लोन मिल गया, तो आप लोगों को टाइमली रिपेमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये एप्लीकेशन वाले कभी कभी शॉर्ट टर्म के लिए भी लोन दे देता है, आप लोगों को 6 डेज 7 डेज के लिए भी लोन दे सकता है, और आप लोगों को रिपेमेंट भी करना पड़ेगा। अगर आप लोग नहीं करोगे ना, ये जो सेफ मनी बादी लोन्स एप्लीकेशन है, इसका जो भी लोन रिकवरी एजेंट्स है, वो लोग आपको कॉल मैसेज करके परेशान कर देंगे, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पर भी कॉल मैसेज करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही रिस्की एप्लीकेशन है गाइस, मेरे ख्याल से तो रिकमेंडेड एप्लीकेशन नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि भाई आप लोगों के लिए ये एप्लीकेशन सही रहेगा। अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हो, अपने रिस्क पे ही करो। अगर आप लोगों को लोन मिल जाता है, सही बात है। अगर आप लोगों को लोन नहीं मिलता है, फिर भी आप लोगों को डिमोटिवेटेड नहीं होना है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाओ, मैं आप लोगों के लिए इंडिया की जो भी top 10 पर्सनल लोन एप्लीकेशन है ना, उसका डायरेक्ट अप्लाई लिंक दे दूंगा। आप लोग आसानी से डाउनलोड भी कर पाओगे एप्लीकेशन, और 1 दिन के अंदर ही आप लोग एक पर्सनल लोन ले सकते हो। सारी लिंक्स मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अभी गाइस आप लोग क्या सोचते हो, ये जो सेफ मनी बादी लोन्स एप्लीकेशन है, कैसा एप्लीकेशन है, रियल है या फेक है, इसके बारे में ना कमेंट पे जरूर बताना। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है इस एप्लीकेशन पे, ठीक है, उसके बारे में भी कमेंट पे बता सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही था गाइस, फिर मिलता है आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू गाइस।